हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आपके इस खूबसूरत चैनल पर, टाइटेनियम क्लासेस पर मैं अनिशा आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत का आप अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल पर, टाइटेनियम क्लासेस पर, बायोलॉजी के वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं, तो आज शुरू करते हैं बायोलॉजी के वीडियोज़, जो हमारी पहली वीडियो होगी। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि बायोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि यह है क्या। उससे पहले थोड़ी सी बात, ये बायोलॉजी क्लास फिफ्थ से लेकर ना 9th के लिए पर्सनली बना है, ना 10th के लिए है, ना 12th के लिए है, फिफ्थ से लेकर कंपटीशन क्लास के लिए हर क्लास में ये पूछे जाते हैं, इसके प्रश्न आते हैं और किसी एक पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। मतलब ये वीडियो हमारी वाली 9th, 10th, 11th, 12th के लिए नहीं, बल्कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी दो शब्द से लिया गया है, बायो प्लस लॉगस। बायो मीन्स होता है लिविंग, लाइफ। लॉगस मीन्स होता है स्टडी, लिविंग की स्टडी या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव का अध्ययन। व्हाट इज लिविंग? सजीव क्या है, लिविंग क्या है? जो सांस लेते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, रिस्पिरेशन कर सकते हैं, चल सकते हैं, वो लिविंग होते हैं। लिविंग की स्टडी करना, लिविंग के बारे में पढ़ना, लिविंग का अध्ययन करना बायोलॉजी होता है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायो दो पार्ट्स में, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बायो प्लस लॉगस। बायो मीन्स लिविंग और लाइफ भी बोल सकते हैं, लॉगस स्टडी। इट मीन्स डेट द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बायोलॉजी बी कैन फर्दर डिवाइडेड इंटू फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्ट्स, जूलॉजी एंड बोटेनी। जू मीन्स एनिमल, लॉजी मीन्स स्टडी, एनिमल स्टडी, एनिमल स्टडी। द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। अब यहां से देखते हैं बॉडी क्या है। बॉडी मीन्स होता है प्लांट की स्टडी करना, द स्टडी ऑफ प्लांट, द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी दोनों को मिक्स करते हैं, अगर दोनों के बारे में स्टडी करते हैं, दोनों को पढ़ते हैं, तब वो बनता है जाके बायोलॉजी। यानी किसी भी एनिमल के बारे में पढ़ना या किसी भी प्लांट के बारे में पढ़ना, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारी स्टडी करना, सब के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, जानकारी लेना, अध्ययन करना, ये बनाता है बायोलॉजी या बायोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। बायोलॉजी के फादर की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज अ ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक के थे, इनका नाम एरिस्टोटल हो गया। इंडिया में एरिस्टोटल को अरस्तु नाम से जाना जाता है। एरिस्टोटल इन्होंने अपने 500 स्पीसीज के बारे में स्टडी किया, 500 स्पीसीज के बारे में अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी, एक बुक का नाम दिया। इनकी बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया में इन्होंने 500 स्पीसीज के स्टडी के बाद ये बुक राइट किया, जिसमें इन्होंने जूलॉजी, बॉटनी, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। जूलॉजी, बॉटनी, इसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी।
माइक्रो, माइक्रो मीन्स देखा जाए तो इसका मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो बहुत ही छोटा, माइक्रो। बायोलॉजी लिविंग, बायोलॉजी लिविंग स्टडी, स्मॉल ऑर्गेनिज्म की, स्मॉल ऑर्गेनिज्म की, स्मॉल जीवों की, ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं, लिविंग होते हैं, उनकी स्टडी, मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाती है। द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फादर की बात करते हैं अगर, द फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, द फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रैक्टस। एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे, द फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, द फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रैक्टस, द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एक बार रिपीट करना चाहेंगे, बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्द से लेकर मिलकर बना है, बायो प्लस लॉगस, बायो मीन्स लिविंग या लाइफ, लॉगस स्टडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, बी कैन फर्दर डिवाइड इंटू थ्री टाइप्स, जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी, जूलो, जू मीन्स एनिमल, लॉजी स्टडी, एनिमल स्टडी। डिफिनेशन अगर देखें तो द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। फादर अरिस्टोटल, द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मैं इन सबको वर्ड्स में डिफाइन कर दे रही हूँ, इसके डिफिनेशन में लिख के दे रही हूँ, आप लोग इसे शॉर्ट स्ट्रीन ले लेना या इसे अच्छे से नोट्स बना लीजिए, नोट्स में पूरा राइट कीजिए, क्योंकि हमें मेहनत करनी है। स्टार्टिंग है बायोलॉजी और उम्मीद करेंगे आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये सारी बातें आपको अच्छे समझ में आएंगी। आप इसके नोट्स बना लें, शॉर्ट स्क्रीन ले लें या PDF निकलवा लें। इसके बाद इतना शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद हम फिर से बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी की डिफिनेशन नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ से पहला जूलॉजी, जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल, लॉजी स्टडी, लॉगस। द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। द स्टडी ऑफ animals is called zoology. Father of zoology, father of zoology भी Aristotle ही हैं, Aristotle। नेक्स्ट बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रैस्टस। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक।
यहाँ तक आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे की वीडियोस, आगे की चीज़ें हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल इज द टीचर ऑफ थियोफ्रेक्टस। जो थियोफ्रेक्टस सर थे ये शिष्य थे, स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल सर टीचर थे, ये उनके स्टूडेंट थे। इन्होंने जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी सब में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया एरिस्टोटल सर, जिसके कारण सारे में थोड़ा थोड़ा बताने के कारण, सबको एक्सप्लेन करने के कारण एरिस्टोटल सर को फादर ऑफ बायोलॉजी कह दिया गया। जूलॉजी में भी इन्हें अच्छा कंटेंट था, जूलॉजी के बारे में भी इन्होंने अच्छा बताया, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी बोला गया। थियोफ्रेक्टस जो एरिस्टोटल सर के स्टूडेंट थे, ये बॉटनी पे इन्हें ज़्यादा अच्छा कंटेंट था, ज़्यादा अच्छा कमांड था, और इन्हें जो है फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। यहाँ से लिखते हैं एरिस्टोटल इज अ टीचर ऑफ थियोफ्रेक्टस। इनकी बुक की बात कर लें, बुक जो 500 स्पीसीज के बाद इन्होंने अपनी एक बुक दी थी एरिस्टोटल सर ने, बुक का नाम है बुक बाय एरिस्टोटल हिस्टोरिया एनिमेलिया। नेक्स्ट बुक बाय थियोफ्रेक्टस हिस्टोरिया प्लांटिया। तो आज की वीडियो में यही तक, इंट्रोडक्शन ही होता है बायोलॉजी का। आगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी कल 10th की क्लासेस चलेंगी, लाइव प्रोसेस। पहला चैप्टर 10th का है लाइव प्रोसेस, जैव प्रक्रम, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आप इसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, और आप हमारा साथ दीजिए। आगे हम अच्छे से अच्छा करने की, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ थैंक यू।